हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और वो एग्जैक्ट है लेकिन एल्फा के किस वैल्यू के लिए वो एल्फा की वैल्यू हमें निकालना है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज किया गया है तो सबसे पहले गिवेन इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा देते हैं जो कि है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो यहाँ पर एम का जो फंक्शन है एम फंक्शन जो है वन प्लस एक्स स्क्वे वाई क्यूब प्लस एल्फा एक्स फंक्शन एन है टू प्लस एक्स क्यू प्लस क्यू हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होगा एम का विद रेस्पेक्ट टू वाई तो जो कि हमें मिलेगा टू एक्स स्क् वाई स्क्वेयर क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां पर टू ना मिलकर थ्री मिलेगा प्लस एल्फा एक्स करना होगा एक्स के रेस्पेक्ट में हमें मिलेगा के लिए जरूरी है कि partial m with respect to y होना चाहिए partial n with respect to x. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है लेकिन उसने खुद ही बोल दिया है कि एग्जैक्ट है इसका मतलब हुआ थ्री एक्स स्क्स टू एल्फा वाई होगा थ्री एक्सर वाई प्लस वाई से थ्री एक्स कैंसिल आउट हो गया अब आप एक्स स्क्ट कंपेयर करा लीजिए तो ये मिलेगा हमें टू इक्वल्स टू थ्री यहाँ से एल्फा की वैल्यू हमें थ्री बाई टू मिल जाती है इस तरह से ऑप्शन बी ट्रू है